हेलो दोस्तों, आप यहां पे देख सकते हैं शायद आपके पीसी या फिर लैपटॉप में इस तरह की प्रॉब्लम आती होगी। एफटीओ सेटअप यूटिलिटी कॉपीराइट अमेरिकन कुछ इस टाइप का आपको देखने के लिए मिल जाता होगा। तो यार इस प्रॉब्लम को आप कैसे सॉल्व कर सकते हैं और ये क्यों आती है, पूरी जानकारी के लिए इस वीडियो को पूरा देखिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। तो सबसे पहले करना क्या है, ये जो आप देख सकते हैं कीबोर्ड से आपको ये जो एरो का बटन है इसके ऊपर आपको क्लिक करते रहना। तो यहाँ पर देख सकते हैं चीपेस्ट बूट सिक्योरिटी इजी कंट्रोल और सेव एंड एग्जिट के ऊपर आपको लास्ट में ला करके इंटर प्रेस कर देना है। जैसे ही आप अपना इंटर दबाएंगे फिर दोबारा से इंटर दबाएंगे तो ये आपका जो कंप्यूटर होगा ये ऑटोमेटिक यहाँ से यानी कि बंद हो जाएगा। बंद होने के बाद में दोबारा से आपका कंप्यूटर सिस्टम जो होगा आपका रिस्टार्ट हो जाएगा। अब ये प्रॉब्लम आती क्यों है और इसको आप सोल्यूशन क्या है मैं आपको वीडियो में बताऊँगा। बस वीडियो को पूरा एंड तक देखते रहिए जब तक कि पूरी तरीके से आपका सिस्टम खुल नहीं जाता है। दोस्तों चाहे आपका लैपटॉप हो या फिर आपका पीसी हो, प्रॉब्लम सब यही होती है। मान लीजिए आपने अपने सिस्टम में बहुत सारे ऐसे सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करके रखे हैं, कोई सॉफ्टवेयर से प्रॉब्लम होती है आपके विंडो से, तो अगर बार बार यही प्रॉब्लम आ रही है तो या तो आप पहले विंडो पर अपना जो है फॉर्मेट करवा दीजिए। फॉर्मेट करवाने के बाद में दोबारा उसको खोल करके देखिए ये प्रॉब्लम आती है फिर नहीं आती। 100% शायद ये प्रॉब्लम आती होगी विंडो से, तो आप विंडो एक बार फॉर्मेट करवा के देख लीजिएगा। मैंने अभी तक इसको फॉर्मेट नहीं कराया हूँ तो जल्द ही मुझको ये फॉर्मेट करवाना पड़ेगा। दूसरी बात की हो सकता है कि आपका जो नेट चलाते होंगे अपने सिस्टम में तो आपका जो अपडेटिंग होता है तो शायद उसी से ये प्रॉब्लम आती होगी, नोटिफिकेशन वाली जो अमेरिकन जो कॉपीराइट वाला होता है तो ये शायद उसी से प्रॉब्लम आती होगी। तो आपको इसका सोल्यूशन यही है कि आप एक बार इस वीडियो को जो है देख लेना है और जैसा मैंने किया हूँ आप वैसा करिए, हो सकता है आपका सॉल्व हो जाए। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं हमारा सिस्टम यहाँ पे ऑन हो चुका है और अगर आपको फिर भी प्रॉब्लम आती है, अगर ये नहीं खुल रहा है आपका सिस्टम तो आप अपना किसी अच्छे जो शॉप हो जो आपका कंप्यूटर सही से फॉर्मेट कर सकता है वहाँ पे जाइए, अपना जो सिस्टम है लेकर के जाइए, वहाँ से अपना विंडो दोबारा से फॉर्मेट करवा लीजिए और फिर चेक कीजिए कि ये प्रॉब्लम आता है नहीं आता। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा।